श्रीलंका के खिलाफ 3 T20 की सीरीज के दूसरे मैच से ठीक एक दिन पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है। चोट के चलते युवा ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह मयंक अग्रवाल को टीम में शामिल किया गया है, ये जानकारी एक मीडिया रिपोर्ट से सामने आई है। दरअसल 3 T20 की सीरीज का पहला मुकाबला भारतीय टीम ने 62 रनों से जीत लिया। सीरीज का दूसरा मैच आज यानी 26 फरवरी और कल तीसरा मुकाबला खेला जाना है, जो कि धर्मशाला में होगा। दूसरे मैच से ठीक एक दिन पहले ये खबर सामने आई थी। दरअसल श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के पहले T20 में ऋतुराज को नहीं चुना गया था। तब BCCI ने जानकारी दी थी कि ऋतुराज ने मैच से पहले शिकायत की थी कि उनके दाएं हाथ की कलाई में दर्द हो रहा है, इससे उनकी बल्लेबाजी पर असर पड़ सकता है, वो सीरीज का पहला T20 नहीं खेल पाएंगे। BCCI की मेडिकल टीम उनकी जांच कर रही थी। वहीं BCCI सूत्रों ने बताया कि मैच से एक दिन पहले टीम से जुड़ने के लिए मयंक अग्रवाल ही शॉर्ट नोटिस पर तैयार थे। उन्हें सीरीज के लिए धर्मशाला भेज दिया गया, सीरीज के दोनों मैच यहीं पर होंगे। वहीं श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टेस्ट टीम इस समय चंडीगढ़ में क्वारंटीन है। मयंक भी इनमें शामिल थे, इस कारण उन्हें बायोबबल से बायोबबल में ट्रांसफर किया गया। वो चंडीगढ़ में मौजूद थे, इसलिए धर्मशाला जल्दी पहुंच गए। दरअसल ऋतुराज गायकवाड़ ने अब तक भारतीय टीम के लिए 3 T20 खेले हैं, जिसमें सिर्फ 13 की औसत से 39 रन बनाए हैं। उनका बेस्ट स्कोर 21 का रहा है। ऋतुराज को अभी भी वनडे और टेस्ट टीम में डेब्यू का इंतजार है। उन्हें IPL में MS धोनी की कप्तानी वाली CSK के लिए खेलते हुए शानदार प्रदर्शन किया है। पिछले सीजन में उन्होंने सबसे ज्यादा 635 रन बनाए थे। चेन्नई टीम ने उन्हें इस बार रिटेन किया। हालांकि ऋतुराज के जो आंकड़े हैं वो भले ही उनकी काबिलियत को ना बयान कर रहे हों, लेकिन ये बात हर कोई जानता है कि आने वाले समय में ऋतुराज भारतीय टीम के लिए एक बहुत बड़े ब्रह्मास्त्र साबित हो सकते हैं। जिस अंदाज में उन्होंने पिछले IPL में बल्लेबाजी की, वो वाकई में काबिले तारीफ थी। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।